वेलकम बैक। कन्वेयंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, इस चैप्टर को हमने जॉइंट्स तक देख लिया था। आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है वाल्व्स। शॉर्ट टॉपिक है बट थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, सो अगेन लिसन केयरफुली। नाउ पर्पस इज सर्व्ड बाय वाल्व्स। कंट्रोल द रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर। वाल्व्स के हम पहले पर्पजेज़ देखेंगे, फिर वाल्व्स के टाइप देखेंगे, और फिर उन टाइप्स को एक एक टाइप को पढ़ेंगे और उनकी वर्किंग समझेंगे। और वर्किंग समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, सो आप ध्यान से सुनिए। नाउ पर्पजेज सर्व्ड बाय वाल्व्स। कंट्रोल द रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर। वाल्व्स जो होते हैं वो हमारे पाइपलाइन में जो फ्लो होता है वाटर का, उसके रेट को, उसके वेलोसिटी को कंट्रोल करने में हमारी मदद करते हैं। प्रिवेंट्स और डिटेक्ट्स लीकेज। यदि हमारे पाइपलाइन में कोई लीकेज है तो वो उसे डिटेक्ट करने में मदद करता है वाल्व, और तो और वो उसे प्रिवेंट करने में भी मदद करता है। कैसे, वो हम टाइप्स की वर्किंग देखते देखते हम ये सारी चीज़ें समझेंगे। नाउ रिलीजेस और एडमिट्स एयर इनटू द पाइपलाइन। पाइपलाइन में यदि कोई एयर जमा रही तो उसे बाहर एटमॉस्फेयर में रिलीज़ करने के लिए, या पाइपलाइन में एयर की ज़रूरत रही तो एयर को एडमिट करने में भी वाल्व्स हमारी हेल्प करते हैं। मीट्स द डिमांड्स ड्यूरिंग एमरजेंसीज। एमरजेंसीज में जो ज़्यादा वाटर की डिमांड, एकदम से जब इमरजेंसी में हमें ज़रूरत होती है ज़्यादा वाटर के लिए, तब भी हमें वाल्व्स हेल्प करते हैं। मेक द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम मोर एफिशिएंट। वाल्व्स हमारे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को ज़्यादा इफ़ेक्टिव, ज़्यादा एफिशिएंट बनाते हैं। और ये सारे पर्पजेस वाल्व कैसे सर्व करता है ये हम वर्किंग के समय देखेंगे। नाउ टाइप ऑफ वाल्व्स। फर्स्ट एयर वाल्व, रिफ्लक्स वाल्व, रिलीफ वाल्व, स्काउर वाल्व एंड स्लूस वाल्व। नाउ फर्स्ट टाइप ऑफ वाल्व वो है एयर वाल्व। नाउ दिस आर ऑल्सो टर्म्ड एज एयर रिलीफ वाल्व्स। एयर वाल्व को एयर रिलीफ वाल्व्स भी बोलते हैं। एयर रिलीफ इसके लिए क्योंकि ये एयर को रिलीज करता है एटमॉस्फेयर में, एयर को रिलीफ देता है। ओके, सो एयर वाल्व आर ऑल्सो टर्म्ड एज एयर रिलीफ वाल्व्स। नाउ यूज ऑफ एयर वाल्व। सम क्वान्टिटी ऑफ एयर इज कंटेंट इन द फ्लोइंग वाटर। कोई पानी जब बहता है तो ऑब्वियसली उसमें कुछ अमाउंट में वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं वाटर में। दिस एयर ट्राइज टू एक्यूमुलेट एट हाई पॉइंट्स अलॉन्ग द वाटर पाइप्स। नाउ एयर कभी भी ऊपर की तरफ जमा होने की कोशिश करेंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर ये हमारी पाइपलाइन है इस तरह से, तो जो एयर होता है वाटर में, जो एयर होती है वो ऑफकोर्स हाई पॉइंट में जमा होने की कोशिश करेगी, हाई पॉइंट्स में। तो कभी कभी एयर हाई पॉइंट्स में जमा हो जाती है कि वाटर वहाँ से पास होना, वाटर का पासेज वहाँ से ब्लॉक हो जाता है। वाटर का पासेज, ये रास्ता उसका बंद हो जाता है हाई पॉइंट्स वाला, तो वाटर फ्लो ही रुक जाता है। अगर वाटर फ्लो रुकेगा, सपोज़ इस तरह से पानी आ रहा है इस डिरेक्शन में, तो अगर वाटर फ्लो यहाँ से रुक गया तो हो सकता है पाइप यहाँ से बर्स्ट हो जाए, क्योंकि पानी तो फ्लो हो नहीं रहा है और यहाँ से पानी आते जा रहा है, यहाँ पे जमा होते जाएगा और यहाँ से पाइप बर्स्ट हो जाएगा, राइट। तो इस एयर को हमें यहाँ से निकालने की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस तरह के हाई पॉइंट्स में हम एयर वाल्व प्रोवाइड करते हैं, ताकि जो एयर यहाँ पे जमा होती है, जो गैस, या फिर गैस भी हो सकती है, राइट, गैस या एयर जो यहाँ पे जमा होती हैं, हम उसे एटमॉस्फेयर में निकाल सके, पाइपलाइन से उसे रिलीज़ कर सके। इसके लिए हम ऐसे हाई पॉइंट्स में एयर वाल्व प्रोवाइड करते हैं। दस देयर आर चांसेस फॉर पाइप्स टू बी एयर लॉक। सेम, अगर यहाँ पे एयर लॉक, अगर यहाँ पे एयर जमा होती है तो यहाँ पे पानी एयर लॉक हो जाएगा, यहाँ से फ्लो नहीं कर पाएगा। लोकेशन, अब एयर वाल्व को हम कहाँ फिट करते हैं, हमने अभी देखा हाई पॉइंट्स में फिट करते हैं। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड एन एक्सिट फॉर सच एक्यूमुलेटेड एयर, द वाल्व्स आर प्रोवाइडेड एट समिट्स अलॉन्ग द वाटर पाइप। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड एन एग्जिट फॉर एक्यूमुलेटेड एयर, मतलब ये एयर वाल्व एग्जिट का काम करते हैं इस एक्यूमुलेटेड, इस जमा हो गए गैस मॉलिक्यूल्स के लिए, एयर मॉलिक्यूल्स के लिए एयर वाल्व एग्जिट का काम करते हैं। द वाल्व्स आर प्रोवाइडेड एट समिट्स। समिट्स मतलब होता है हाई पॉइंट्स। जो भी पाइपलाइन में हाई पॉइंट्स होते हैं उनको समिट्स कहा जाता है। तो ये कहाँ प्रोवाइड किए जाते हैं एयर वाल्व्स, समिट्स में, मतलब हाई पॉइंट्स में। द एयर वाल्व्स शुड बी लोकेटेड एट पॉइंट्स विच आर क्लोज्ड टू और अबव द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट हम लास्ट सेम में पढ़ चुके हैं, सो आई एम नॉट गोना एक्सप्लेन इट हेयर, थोड़ा सा लंबा जाएगा वरना वो। सो
जो समिट पॉइंट्स, जो हाई पॉइंट्स हाइड्रोलिक ग्रेडियंट के ऊपर होते हैं, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन के ऊपर होते हैं, जनरली उन्हीं पॉइंट्स में ये प्रॉब्लम हो जाती है एयर लॉक होने की। सो उन जगहों पे एयर वाल्व प्रोवाइड करना ज़रूरी होता है, वरना हमारा पाइप डिस्ट्रॉय हो जाएगा। नाउ वर्किंग ऑफ एयर वाल्व इजी है, जस्ट लिसन केयरफुली। इन द नॉर्मल कंडीशन द चैम्बर इज फुल ऑफ वाटर ड्रॉन फ्रॉम वाटर पाइप। नॉर्मल कंडीशंस में जनरली ये जो चैम्बर होता है, ये एयर वाल्व का डायग्राम है, लुक केयरफुली। नाउ ये जो चैम्बर है रेक्टेंगुलर एयर वाल्व का, ये जनरली पूरा पानी से भरा हुआ रहता है। नाउ द फ्लोट देयर फॉर टचेस द रूफ ऑफ चैम्बर एंड पॉपेट वॉल्व इज इन अ क्लोज पोजिशन। नाउ इस डायग्राम में देखिए, ये जो फ्लोट लेबल किया हुआ है फ्लोट के नाम से, ये बॉल टाइप स्ट्रक्चर, ये काफ़ी हल्का होता है। सपोज इमेजिन कीजिए, ये बॉल ही होता है काफ़ी हल्का, और हमें पता है जो प्लास्टिक बॉल्स होते हैं वो पानी में फ्लोट करते हैं, काफ़ी हल्के होते हैं, और हमारा ये चैम्बर पूरा पानी से भरा हुआ है, तो ऑफ कोर्स ये ऊपर की तरफ जाएगा बॉल, क्योंकि ये काफ़ी हल्का होता है। तो ये जब ऊपर की पोजीशन में रहता है तो ये स्टिक भी ऊपर हो जाती है, जिसका नाम क्या लिखा है, लेवर। तो ये लेवर ऊपर हो जाता है, लेवर के ऊपर होने की वजह से ये जो पपेट वॉल्व होता है ये भी ऊपर की तरफ रहता है, और ये जो होल दिख रहा है हमारे चैम्बर में, इस वाल्व में, ये क्लोज्ड रहता है। ओके अगेन, नॉर्मल कंडीशन में ये चैम्बर पूरा पानी से भरा हुआ रहता है। नाउ इस लेवर को ऊपर की तरफ बॉल अटैच्ड है, पानी भरा होने के वजह से ये जो बॉल है ऊपर की तरफ फ्लोट करेगा, पानी में वो ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगा, और ऊपर रूफ है तो ये रूफ को टच रहता है, क्या, फ्लोट। एंड व्हाट इज फ्लोट, वन एक ये सॉर्ट ऑफ बॉल है, हल्का सा बॉल इमेजिन कीजिए। इस बॉल को ये लेवर अटैच्ड है, और इस लेवर को पॉपेट वॉल्व अटैच्ड है। बॉल ऊपर होने की वजह से लेवर भी ऊपर हो गया, लेवर ऊपर होने की वजह से पॉपेट वॉल्व ऊपर होके उसने इस होल को पूरा बंद कर दिया है कि नहीं। नाउ व्हेन एयर फ्रॉम द पाइप एंटर्स द चैम्बर, इट स्टार्ट्स एक्यूमुलेटिंग जस्ट बिलो द रूफ ऑफ चैम्बर। अब पाइपलाइन में जब एयर रहेगी, एयर भी ऊपर की तरफ आने की कोशिश करेगी, सो ये एयर धीरे धीरे चैम्बर चैम्बर में आने की कोशिश करेंगे। चैम्बर में पहले क्या था, सिर्फ पानी था, अब धीरे धीरे एयर आ रही है, तो एयर ऑफ कोर्स पानी के ऊपर जमा होने लगेगी। और जैसे जैसे एयर का अमाउंट बढ़ते जाएगा, एयर मॉलिक्यूल्स का अमाउंट बढ़ते जाएगा, वैसे वैसे यहाँ के पानी का लेवल कम होते जाएगा। जस्ट इमेजिन इमेजिन कीजिए कि चैम्बर पूरा पानी से भरा हुआ है, धीरे धीरे उसमें उसमें एयर मॉलिक्यूल्स भर रहे हैं, एयर भर रही है, तो ऑफ कोर्स चैम्बर में पानी का लेवल कम होते जाएगा, कम होते होते। नाउ अब पानी का लेवल कम हो रहा है तो ये जो फ्लोट है, ये जो बॉल है, ऑफ कोर्स वो भी नीचे नीचे आएगा। कोई बॉल हवा में तो तैरता नहीं है, हम बॉल ऊपर फेंकते हैं तो वो ऊपर हवा में नहीं रहता है, इतना हल्का तो नहीं रहता है बॉल, बलून की तरह। सो वो पानी के लेवल के साथ बॉल का भी लेवल नीचे नीचे आते जाएगा, राइट। ऊपर क्योंकि एयर भर रही है, पानी नीचे आ रहा है, सो ये फ्लोट, ये बॉल भी नीचे आते जाएगा। बॉल के नीचे आने की वजह से, फ्लोट के नीचे आने की वजह से लेवर भी नीचे आते जाएगा। अब ये जो डॉटेड डायग्राम है लेवर की, अब ये इमेजिन कीजिए कि ये लेवर पूरा नीचे आ गया है, पानी का लेवल इतना हो गया है, फ्लोट भी नीचे आ गया है, इतने पोर्शन में सिर्फ एयर है, लेवर नीचे आ गया, लेवर नीचे आने की वजह से पॉपेट वॉल्व भी नीचे आएगी। अब जब पॉपेट वॉल्व नीचे आई तो ये जो होल है चैम्बर में, ये ओपन हो जाता है। अब होल के ओपन होने से क्या होगा, दिस एक्यूमुलेशन ऑफ एयर मेक्स द लेवर टू वर्क एंड टू ब्रिंग डाउन द फ्लोट। ये जो एयर एक्यूमुलेट हुई वाटर के ऊपर, वो क्या करती है, लेवर को वर्क करने लगाती है, क्या करने लगाती है, ब्रिंग डाउन द फ्लोट, इस लेवर का फ्लोट नीचे लाती है, समझ रहे हो। अब ये जब फ्लोट नीचे आया तो लेवर भी नीचे आया, लेवर नीचे आया तो पॉपेट वॉल्व ओपन हुआ, पॉपेट वॉल्व ओपन होने की वजह से यहाँ पे जो भी एयर एक्यूमुलेट हुई थी वो इस होल से बाहर निकलेगी पूरा, क्योंकि नीचे वाटर प्रेशर है तो एयर ऑफ कोर्स बाहर निकलेगी इस होल से, वो होल से बाहर निकल रही है जैसे जैसे, तो इस चैम्बर में वापस पानी भरने लगेगा। जैसे पानी धीरे 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 बढ़ने लगेगा, वैसे फ्लोट भी ऊपर ऊपर आने लगेगा, अगेन लेवर ऊपर होगा, पॉपेट वॉल्व ऊपर होगा, एयर के पूरा बाहर निकलते ही पॉपेट वॉल्व अगेन क्लोज हो जाएगा। सो पूरी प्रोसीजर आप समझ रहे हो, जस्ट इमेजिन कीजिए।
The pulling down of load by lever operates the poppet valve which is then open. पुलिंग डाउन ऑफ फ्लोट, पानी नीचे आने की वजह से जो एयर भरी थी उसके वजह से फ्लोट भी नीचे आया था हमारा. फ्लोट के नीचे आने की वजह से पॉपेट वॉल्व हमारा ओपन हुआ था. पॉपेट वॉल्व विच इज देन ओपेंड. द एम इज दस टू अलाउ द एयर टू एस्केप थ्रू द पॉपेट वॉल्व. तो इस पूरी प्रोसीजर का मेन एम क्या था, हमारे एयर वॉल्व प्रोवाइड करने का मेन एम क्या था, कि जो एयर जमा होती है पाइपलाइन में उसको बाहर निकालेंगे, राइट, ताकि वो एयर, वरना क्या होगा अगर हमने एयर वॉल्व सपोज नहीं प्रोवाइड किया है या हमारे पास ये चैम्बर को कोई होल नहीं है तो क्या हो जाएगा, हवा यहाँ धीरे 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 एक्यूमुलेट होने लग जाएगी, पानी का लेवल कम कम होते जाएगा, ये पूरा एयर से भर जाएगा, यहाँ तक पाइपलाइन में एयर जमा हो जाएगी और यहाँ पे पानी ब्लॉक हो जाएगा, पानी ब्लॉक हो जाएगा, एयर लॉक हो जाएगा, यहाँ पे पाइप बर्स्ट हो जाएगा. सो इसीलिए एयर वाल्व क्या काम कर रहा है, एयर को पाइपलाइन से बाहर निकाल रहा है. कैसे निकाल रहा है वो मैंने अभी समझाया आपको, एक बार में नहीं समझ में आया होगा तो आप सेकेंड टाइम सुनिए, थर्ड टाइम सुनिए, बट समझेगा, ध्यान से सुनिए. When air escapes, the water rises again in the chamber and the lever works to raise the float. जब एक बार air escape हो गई तो वापस से water rise होने लगेगा, water ऊपर आने लगेगा. Water ऊपर आएगा तो क्या होगा, float ऊपर आएगा. Float ऊपर आने की वजह से poppet valve close हो जाएगा और वापस से ये process बार बार repeat होते जाएगी जब जब air pipeline में भरेगी. समझ रहे हो? अगर आपको ये टॉपिक नहीं समझा होगा तो आप फिर से कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चंस पूछिए, मैं अगले वीडियो में वो क्वेश्चन ज़रूर उसका जो आंसर है वो दूंगी, वो वापस से समझाऊंगी. पर प्लीज़ आप समझने की कोशिश कीजिए, इस टॉपिक को काफ़ी इजी है और एक बार सुन लीजिए और फिर भी आपको नहीं समझ में आता है तो आप कॉमेंट बॉक्स में मुझे बताइए. रिफ्लक्स वाल्व्स. Reflux valves are also known as check valves or non-return valves. Now, reflux valve को हम check valves भी बोलते हैं और non-return valves भी बोलते हैं. क्यों बोलते हैं ये हम इसके working में समझेंगे. Reflux valve is an automatic device which allows water to go in one direction only. Reflux valve क्या काम करता है, ये पानी को सिर्फ एक direction में flow करवाता है. कैसे, वो फिर से हम working में ही देखेंगे. Now, when flow of water is in the direction of arrow, this is the working of reflux valve. Okay, when flow of water is in the direction of arrow, the valve swings or rotates around the pivot and it is kept in an open position due to pressure of water. Now imagine कीजिए, ये बस एक flap है, एक dish है जो यहाँ पे hang हो रही है, just hang हो रही है, हाँ, attached है pivot के through, attached है ये, इसका जो handle है वो है, फ्रीली अटैच्ड है. अब अगर वाटर इस डिरेक्शन में आ रहा है, वाटर इज़ इन द डिरेक्शन ऑफ एरो, तो द वाल्व स्विंग्स, ये वाल्व स्विंग होते रहता है ऐसे ही, बस फ्रीली हैंग है ये, तो वाटर का प्रेशर जब इस तरफ रहेगा तो ये वाल्व ऊपर की तरफ फ्लोट होने लगेगा. ऑफ कोर्स इमेजिन इट, वाटर इस तरफ आ रहा है, ये फ्लोट, सॉरी, ये जो वाल्व है वो ऊपर होगा, और पानी आसानी से बहते रहेगा. नाउ When the flow of water in this direction ceases, the water tries to flow in a backward direction. अब जब पानी इस तरफ फ्लो हो रहा है और अचानक से इसका डायरेक्शन सीज हो गया, इसका डायरेक्शन चेंज हो गया, पीछे आने लगा वाटर, तो क्या होगा, ये जो वाल्व ऊपर फ्लोट कर रहा था ये नीचे गिरेगा, नीचे गिरने की वजह से क्या होगा, ये पूरी पाइपलाइन को इस तरह से क्लोज कर देगा, तो पानी इस तरफ आएगा ही नहीं. तो मतलब ये वाल्व क्या कर रहा है, पानी को वापस आने से रोक रहा है. इसीलिए इस वाल्व का नाम हमने क्या देखा था, नॉन रिटर्न वाल्व्स, चेक वाल्व्स या नॉन रिटर्न वाल्व. ये क्या चेक करता है, पानी की डायरेक्शन चेक करता है. ये वाल्व ये चेक करता है कि पानी एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है या नहीं. नॉन रिटर्न वाल्व क्यों कहा हमने, क्योंकि ये पानी को रिटर्न नहीं होने दे रहा है, इसके लिए नॉन रिटर्न वाल्व. नाउ हमने इसमें क्या देखा, जब पानी इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो ये वाल्व ओपन हो जाएगा, पानी के प्रेशर से ओपन हो जाएगा और पानी इस तरह से फ्रीली मूव हो पाएगा. नाउ जब पानी का डायरेक्शन चेंज होगा तो ये वाल्व पानी के ही प्रेशर से इस तरह से क्लोज हो जाएगा, ये रास्ता बंद कर देगा और पानी इस तरफ आ ही नहीं पाएगा, मतलब पानी अपोजिट डायरेक्शन में जा ही नहीं पाएगा.
बट इन दिस केस द वॉल्व ऑक्यूपाइज इट सीट्स. इन दिस केस मतलब जब पानी वापस आ रहा होता है तो वॉल्व ऑक्यूपाइज इट सीट एंड इट दस प्रिवेंट्स द पैसेज ऑफ वाटर इन रिवर्स डिरेक्शन. ये अपनी सीट सीट में मतलब ऑक्यूपाई हो जाता है, सीट ऑक्यूपाई कर लेता है, इस तरह से क्लोज हो जाता है और पानी इस तरफ आ ही नहीं पाता है. ओके पर बहुत ईजी है ये वाल्व. फिर भी आपको नहीं समझ में आता हो या आपको डाउट आता हो तो आप अगेन कॉमेंट कीजिए, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी. नाउ लोकेशन द रिफ्लक्स वाल्व्स इज इनवेरिएबली प्लेस्ड इन वाटर पाइप विच ऑब्टेन्स वाटर डायरेक्टली फ्रॉम पंप. जब हमारा वाटर पाइप डायरेक्टली पंप से जुड़ा हुआ हो तब हम ये रिफ्लक्स वाल्व प्रोवाइड करते हैं. क्योंकि आप खुद इमेजिन कीजिए, अगर पंप से जो पाइपलाइन जुड़ी है उसमें से अगर पानी वापस पंप में चला जाएगा तो पंप ऑफकोर्स ख़राब होगा. हाँ, पंप में अगर वापस पानी जाएगा तो पंप ख़राब होगा, डिस्ट्रॉय होगा. तो हमें पंप में पानी नहीं जाने देना है, तो हम क्या करेंगे, रिफ्लक्स वाल्व प्रोवाइड करेंगे ताकि पंप पाइपलाइन में पानी पास कर सके पर पाइपलाइन वापस पंप में पानी ना डाल सके. क्योंकि रिफ्लक्स वाल्व क्या करता है, पानी को रिटर्न होने नहीं देता है. फंक्शन व्हेन पंप फॉल्स और स्टॉप्स, मतलब जब पंप ख़राब हो जाता है, जब पंप को हम बंद कर देते हैं या फिर द वाटर विल नॉट रन बैक टू द पंप एंड दस द पंपिंग इक्विपमेंट विल बी सेव फ्रॉम डैमेज. तो ये पंप की तरफ पानी को फ्लो होने नहीं देता है, रन बैक नहीं होने देता, तो हमारा जो पंपिंग इक्विपमेंट है ऑफकोर्स इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट रहेगा तो वो डैमेज से बचेगा, उसमें पानी नहीं जाएगा. सिमिलरली एट इनर कनेक्शंस बिटवीन अ पोल्यूटेड वाटर सिस्टम एंड अ पोटेबल वाटर सिस्टम द प्रोविजन ऑफ रिफ्लक्स वाल्व्स विल प्रिवेंट द एंट्री ऑफ पोल्यूटेड वाटर इनटू द प्योर वाटर. अगर किसी फैक्ट्री में जो हमारा ट्रीटमेंट प्लांट होता है वहाँ पे अगर किसी पाइपलाइन में एक तरफ से पोल्यूटेड वाटर जा रहा है, मतलब ख़राब वाटर जा रहा है, और एक तरफ से पोटेबल वाटर, पोटेबल वाटर मतलब क्या होता है, जो हमारा पीने लायक पानी होता है, प्योर वाटर होता है, वो फ्लो हो रहा है, तो उन्हें जब हमें मिक्स नहीं होने देना है तब रिफ्लक्स वाल्व प्रोवाइड कर सकते हैं ताकि पोल्यूटेड वाटर प्योर वाटर में ना जाए. नाउ थर्ड, रिलीफ वाल्व्स. दीज आर ऑल्सो नोन एज ऑटोमेटिक कट ऑफ वाल्व्स और सेफ्टी वाल्व्स और प्रेशर वाल्व्स. हम इन्हें क्या क्या कहते हैं, कट ऑफ वाल्व्स, सेफ्टी वाल्व्स और प्रेशर वाल्व्स, क्यों हम आगे देखेंगे. प्रेशर वाल्व्स, सॉरी, व्हेन प्रेशर ऑफ वाटर एक्सीड्स अ प्री डिटरमाइंड लिमिट द वाल्व्स ऑपरेट ऑटोमेटिकली. जब प्रेशर, जब पानी का प्रेशर हमने सोचा है उस लिमिट से जब ज़्यादा हो जाता है, हमने जो प्री डिटरमाइन किया है, हमने जो पहले से सोच रखा है कि इस पाइपलाइन में हमें इस प्रेशर का पानी चाहिए, जब वो प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो ये वाल्व ऑटोमेटिकली ऑपरेट होने लगता है. द लोड ऑन द स्प्रिंग इज एडजस्टेड टू द मिनिमम प्रेशर. ये जो स्प्रिंग है लेबल किया हुआ है, ये इस हैंडल के थ्रू हम इस स्प्रिंग को एडजस्ट करते हैं, तो हमें कितना प्रेशर चाहिए वो हम इस हैंडल के थ्रू, इस हैंडल को घुमा के हम ये डिसाइड करते हैं कि हमें हमारे पाइपलाइन में कितना प्रेशर चाहिए है. नाउ लोकेशन, द रिलीफ वाल्व्स आर लोकेटेड एट एवरी पॉइंट अलॉन्ग द वाटर पाइप वेयर प्रेशर इज लाइकली टू बी मैक्सिमम. हमारे पाइपलाइन में हमें जहाँ पे भी लगता है कि इस पॉइंट में प्रेशर ज़्यादा आ सकता है, नीचे के पॉइंट पे, ऑफकोर्स नीचे वाले पाइपलाइन में हमेशा प्रेशर ज़्यादा ही रहेगा वाटर प्रेशर, तो हम नीचे प्रोवाइड करेंगे रिलीफ वाल्व्स. तो ऐसे पॉइंट्स जहाँ पे प्रेशर मैक्सिमम रहने के चांसेस है वहाँ हम रिलीफ वाल्व्स प्रोवाइड करते हैं. फंक्शन ऑफ रिलीफ वाल्व्स, when pressure of water exceeds a predetermined limit the valve operates automatically and it will save particular section of water pipe before bursting of pipe take place. जब प्रेशर ऑफ वाटर एक्सीड्स अ प्री डिटरमाइंड लिमिट, जब हमारे वाटर का प्रेशर हमारे डिसाइड किए हुए लिमिट से काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है तो ये वाल्व अपने आप ऑटोमेटिकली ऑपरेट होने लगता है. हाँ, और वो उस पानी के प्रेशर को कम करेगा, और पानी का प्रेशर कम होगा तो क्या होगा, वो सेक्शन जो है पाइपलाइन का वो बर्स्ट नहीं होगा, फूटेगा नहीं वाटर प्रेशर के वजह से. फोर्थ, स्काउर वाल्व्स. दीज आर ऑल्सो नोन एज स्लूज वाल्व और शट ऑफ वाल्व्स और स्टॉप वाल्व्स, ब्लो ऑफ वाल्व्स, ड्रेन वाल्व्स और वॉश आउट वाल्व्स.
यहाँ पे इसके काफ़ी सारे नाम दिए हुए हैं, स्काउट वॉल्व के, स्लूस वॉल्व, शट ऑफ वॉल्व, स्टॉप वॉल्व, फ्लो ऑफ वॉल्व, ड्रेन वॉल्व, वॉश आउट वॉल्व। ये सब नाम क्यों दिए हैं हम आगे समझेंगे जब इसकी वर्किंग हमें समझेंगे। नाउ दे आर ऑपरेटेड विथ हैंड एंड क्लोज डाउन एज सून एज क्लियर वाटर इज सीन पासिंग थ्रू देम। हम स्काउट वॉल्व, अभी तक जो हमने तीन टाइप पढ़े वॉल्व के, वो ऑटोमेटिक थे, पानी के प्रेशर के हिसाब से काम करते थे, एयर या पानी के प्रेशर के हिसाब से। नाउ जो स्काउट वॉल्व होता है वो हम मैन्युअली उसे ऑपरेट करते हैं, हमें ऑपरेट करना पड़ता है अपने हाथों से। और वो तब क्लोज किए जाते हैं जब हमें ऐसा लगता है कि उसमें से अभी क्लियर वाटर फ्लो हो रहा है। क्या बोल रहा है? एंड क्लोज डाउन एज सून एज क्लियर वाटर इज सीन पासिंग थ्रू देम। फंक्शन, स्काउट वॉल्व आर ऑपरेटेड टू रिमूव सैंड और सिल्ट डिपॉजिटेड इन द वाटर पाइप। स्काउट वॉल्व हम क्यों यूज़ करते हैं? ताकि जो हमारे वाटर पाइप में जो भी सैंड जमा होती हैं या सिल्ट, सिल्ट मतलब ही वही जो स्मॉल, एकदम स्मॉल साइज के सैंड होती है, वो सिल्ट कहते हैं उसे। तो जब वो डिपॉजिट हो जाती है वाटर पाइप में, तो उसे रिमूव करने के लिए, हमारी पाइपलाइन को क्लीन रखने के लिए हम स्काउट वॉल्व प्रोवाइड करते हैं। लोकेशन, दीज वॉल्स आर लोकेटेड एट डेड एंड्स एंड डिप्रेशंस एट द लोएस्ट पॉइंट इन द मेन्स। जो हमारी मेन पाइपलाइन होती है उसके डेड एंड्स में, डेड एंड्स मतलब पाइप का वो एंड होता है जो डायरेक्टली जाके ग्राउंड में ओपन होता है, डायरेक्टली सॉइल में ओपन होता है, ऐसे एंड को डेड एंड्स कहा जाता है। एंड डिप्रेशंस, डिप्रेशंस मतलब जो लोअर पॉइंट्स होते हैं मेन्स के, हमारी मेन पाइपलाइन का जो एकदम लोअर पॉइंट होता है उसे डिप्रेशंस कहते हैं। तो ये वाल्व कहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं हम? डेड एंड्स एंड डिप्रेशंस में। क्यों? ताकि जो सॉइल है, जो सिल्ट है, वो ऑफकोर्स पानी से हैवी रहती हैं और वो नीचे जाके बैठेगी, तो हम नीचे के एरियाज़ में ये प्रोवाइड करते हैं ताकि वो जो सैंड और सिल्ट वाल्व के अराउंड जमा हो गई हैं, वाल्व खोल के हम उन्हें रिलीज़ कर सके और वाल्व वापस से बंद कर सके। नाउ फिफ्थ एंड लास्ट टाइप, स्ल्यूस वाल्व। स्ल्यूस वाल्व आर ऑल्सो नोन एज गेट वाल्व और शट ऑफ वाल्व्स और स्टॉप वॉल्स। तो स्लूज वॉल्व को हम क्या क्या बोल रहे हैं? गेट वॉल्व, शट ऑफ वॉल्व और स्टॉप वॉल्स। दीज वॉल्व कंट्रोल द फ्लो ऑफ वाटर एंड आर हेल्पफुल इन डिवाइडिंग द वाटर मेन्स इनटू सूटेबल सेक्शंस। ये जो वॉल्व है ये भी फ्लो ऑफ वाटर को कंट्रोल करता है। और आप डायग्राम में देख ही रहे हो इसने किस तरह से पूरा वाटर ब्लॉक करके रख दिया है, यहाँ से पूरा वाटर ही ब्लॉक हो गया है। तो ये जो पाइप है, ये जो पानी अगर इधर से आ रहा है तो इस तरफ नहीं जा पाएगा। तो ये क्या कर रहा है? पाइपलाइन को, मेन पाइपलाइन को डिवाइड कर रहा है दो सेक्शंस में। द रेजिंग और लोअरिंग ऑफ वाटर इज कैरिड आउट बाई रोटेटिंग द हैंडल फ्रॉम द टॉप। ये वॉल्व जनरली हम हमारे घर में यूज़ करते हैं, जो हमारी मेन वाटर टैंक होता है वहाँ पर मेन वाल्व होता है। अगर आपने ऑपरेट किया है कभी, सो रिमेंबर इट, हम हैंडल को घुमाते हैं और पानी हमारे घर के पाइपलाइन में पानी फ्लो होना स्टॉप हो जाता है। तो ये यही वाल्व होता है, हम इस हैंडल को घुमाते हैं, ये वाल्व बंद हो जाता है और पानी का फ्लो पूरी तरह से रुक जाता है। ओके, नाउ यहाँ पे कहा है इट इज़ हेल्पफुल इन डिवाइडिंग द वाटर मेन्स इनटू सूटेबल सेक्शंस। ऐसा क्यों कहा गया है? मैंने कहा ये स्लीव्स वाल जो है हमारे घरों में भी यूज़ किए जाते हैं। सपोज हमारे किसी बेसिन का या हमारे वॉशरूम का, फॉर एग्जांपल बेसिन का ही नल ख़राब हो गया, वो फ्लो कर रहा है, ओवरफ्लो कर रहा है या टैप बंद नहीं हो रहा है, तो हम क्या करते हैं? बेसिन के नीचे का वाल्व बंद करते हैं। पूरे घर की पाइपलाइन हमें बंद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, सिर्फ हम बेसिन की बंद करते हैं एंड देन उसे रिपेयर करवाते हैं। ओके, सो ये जो स्ल्यूस वाल्व है ये पाइपलाइन को अलग अलग सूटेबल सेक्शन में डिवाइड कर देता है। बेसिन की पाइपलाइन अलग हो जाती है, इंडिपेंडेंट हो जाती है, वॉशरूम की पाइपलाइन इंडिपेंडेंट हो जाती है। तो वही है ये हेल्पफुल इन डिवाइडिंग द वाटर मेन्स इनटू सूटेबल सेक्शन, समझ रहे हो? नाउ द इंस्टॉलेशन ऑफ स्ल्यूस वाल्व इज वेरी मच यूजफुल इन द केस ऑफ इंटरमीडिएट सिस्टम ऑफ सप्लाई ऑफ वाटर। इंटरमीडिएट सिस्टम ऑफ सप्लाई ऑफ वाटर मतलब यही जो हम अपने घर में पाइपलाइन फिट कर रहे हैं, जो हमारे घर में सप्लाई ऑफ वाटर यूज़ हो रहा है, जहाँ हमें बार बार पाइपलाइन को अलग अलग सेक्शन में डिवाइड करने की ज़रूरत पड़ रही है। वॉशरूम का अलग, बेडरूम में अगर कोई बेसिन है उसका अलग, किचन के सिंक का अलग, तो हमें जब अलग अलग सेक्शंस करने पड़ रहे हैं पाइपलाइन के, तब ये स्ल्यूस वाल्व
वाल्व काफ़ी यूज़फुल होता है। फंक्शन ऑफ स्लूस वाल्व, दिस वाल्व कंट्रोल द फ्लो ऑफ वाटर एंड आर हेल्पफुल इन डिवाइडिंग द वाटर मेन्स इंटू सूटेबल सेक्शंस। सेम पॉइंट, ये वाटर के फ्लो को कंट्रोल करता है, हम इसे वाटर का फ्लो बंद कर सकते हैं, शुरू भी कर सकते हैं, एंड आर हेल्पफुल इन डिवाइडिंग द वाटर मेन्स इंटू सूटेबल सेक्शन। ये जो वाटर पाइपलाइन है हमारे घर की, उसको अलग अलग घर की या कहीं भी, नॉट ओनली घर, ये फैक्ट्रीज में भी यूज़ किया जा सकता है, क्योंकि ऑफकोर्स फैक्ट्रीज में भी अलग अलग मशीनरी होती है, हर मशीनरी में पाइपलाइन जाते हो गए तो हर पाइपलाइन को अलग अलग स्लूस वाल्व प्रोवाइड करना पड़ता होगा। तो ऐसे कंडीशन में स्लूस वाल्व काफ़ी सूटेबल होता है जब हमें ज़्यादा सेक्शंस करने की ज़रूरत हो। नाउ लोकेशन, दे आर जनरली एट अ डिस्टेंस अबाउट 150 मीटर टू 200 मीटर एंड एट ऑल जंक्शंस। हम ये जनरली दो स्लूस वाल्व के बीच में जनरली 150 मीटर या 200 मीटर की गैप रखते हैं एंड हर जंक्शन में प्रोवाइड करते हैं। जंक्शन क्या होता है, जहाँ दो या दो से ज़्यादा पाइपलाइन मीट कर रहे हों, वहाँ पर भी स्लूस वाल्व प्रोवाइड किए जाते हैं। फॉर लॉन्ग मेन्स, अगर हमारी मेन पाइपलाइन काफ़ी लॉन्ग है, द स्लूस वाल्व कैन बी इंस्टॉल्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट 1 किलोमीटर ऑल्सो टू डिवाइड द पाइपलाइन इन डिफरेंट सेक्शंस। अगर हमारी मेन्स 1 किलोमीटर लंबी है तो हम उसमें अगर हमारी जो मेन पाइपलाइन है वो काफ़ी लंबी है तो हमारे जो स्लूस वाल्व है वो हम 1 किलोमीटर की दूरी पे प्रोवाइड कर सकते हैं, ताकि हम पाइपलाइन को अलग अलग सेक्शन में डिवाइड कर पाए। अब हम लॉन्ग मेन को क्यों डिवाइड करेंगे अलग अलग सेक्शन में? फॉर एग्जांपल, पाइप कहीं से फूट गया है तो हमें पूरी पाइपलाइन बंद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पाइपलाइन के जिस सेक्शन में वो जो डिफेक्ट आया है, बस उसी सेक्शन के वाल्व हम बंद करेंगे, वो सेक्शन रिपेयर करेंगे और वाल्व फिर से खोल देंगे, राइट? सो ऐसे जब हमें सेक्शन करने की जब ज़रूरत पड़ रही हो तो स्लूस वाल्व काफ़ी सूटेबल होते हैं। सो हमारे यहाँ पांचों जो वाल्व्स है वो कंप्लीट होते हैं। अगर आपको पांचों वाल्व में से किसी में भी थोड़ा सा भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन करिए, मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में उस क्वेश्चन का आंसर दूंगी। पर अगर आपको अभी भी कोई वाल्व समझ में नहीं आया हो तो आप फिर से सुनिए। जब हम पहली बार सुनते हैं तो ऑफकोर्स नहीं समझ में आता है, दूसरी बार सुनिए, दूसरी बार में हम उस बात को जानते हैं, समझने लगते हैं, और जब याद करना हो तो हम उसे तीसरी बार सुनते हैं। अभी याद रखना ज़रूरी नहीं है, ऑफकोर्स बस समझना है। तो दो बार सुनिए, समझिए, फिर भी नहीं समझ में आता हो तो आप कॉमेंट कीजिए, नेक्स्ट वीडियो में बिल्कुल समझाओगी। एंड दैट्स इट, थैंक यू।